चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक का लास्ट चैप्टर हमारा है नोबल गैसेस। ठीक है, तो पी ब्लॉक सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से रिवाइज करें और एनसीईआरटी पढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं अपन इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। आपको पता ही है, याद रखने का तरीका आप जानते ही थे, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। ठीक है, ये याद करने का तरीका था। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखो दो प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। आप तो सारी कहानी समझ गए हो कि पैटर्न कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस और टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस वाली लिखेंगे और टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस वाली लिखेंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या क्या डिक्रीज होता है। पहली बात, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये दो हो गए डिक्रीज वाली। इंक्रीज में क्या आएगा, साइज आएगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, वीक वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम वांडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है साइज बढ़ने की वजह से। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज वाली। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। में ध्यान से देखना, जो एक्सेप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद करो, डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो हमें ये लिखना है कि डेल्टा एच ईजी इज पॉजिटिव फॉर ऑल नोबल गैसेस, क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है ना, फॉर ऑल नोबल गैसेस। होता क्या है, नोबल गैसेस का कॉन्फिगरेशन तो फुली फिल्ड है। अगर ये फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। फिर भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच ईजी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी तो पॉजिटिव होता है। अब मैं एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट कर देता हूं। यहां पर क्या है, नियोन की सबसे कम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, हीलियम की। ये मैंने एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग कर दिया। टॉप टू बॉटम आयनाइज एनर्जी यहां पर इंक्रीज होती है, लेकिन हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। मतलब आप देखोगे डेटा एनसीईआरटी में तो डेल्टा एच ईजी जो पॉजिटिव वाले डेटा है, पॉजिटिव होने का मतलब ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी कम एफिनिटी है ना, क्यों आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो नियोन का डेल्टा एच ईजी सबसे ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब उसकी एफिनिटी क्या है, कम। तो डेल्टा एच ईजी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और ऐसा भी है कि आर्गन और क्रिप्टन की जो है वो नियरली बराबर होती, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एआर और केआर की नियरली इक्वल होती है। ठीक है, तो नियोन की सबसे कम, हीलियम की सबसे ज्यादा, एआर केआर की नियरली इक्वल होती है। ठीक, तो आप नियरली इक्वल लिख लो। ये हो गई बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़ीनॉन के कंपाउंड के बारे में, कैसे कि नोबल गैस का जो सबसे पहला कंपाउंड था वो कौन सा था, वो ज़ीनॉन का था। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। इसके पीछे की कहानी ये है कि नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, 1962 में वो एक कंपाउंड बना रहे थे ऑक्सीजन का, प्लेटिनम और फ्लोरीन के साथ। तो उन्होंने जो कंपाउंड बनाया वो ये बना, O2PtF6। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये, वो बना रहे थे ये। तो ये कंपाउंड बन गया, ये किस कलर का होता है, रेड कलर का, O2 प्लस और PtF6 माइनस, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। अब उन्होंने ये देखा कि जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है O2, मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नियरली इक्वल है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ज़ीनॉन के। तो उन्होंने ये सोचा कि जब ये बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकता। तो उन्होंने ज़ीनॉन का पीटी के साथ, पीटी के फ्लोराइड के साथ मिक्सिंग की, मतलब कंपाउंड बनाया और बन गया XePtF6 बन गया। ठीक है, प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ ज़ीनॉन का, और कलर भी देखो सेम ही आया, रेड कलर, क्योंकि आयनाइज एनर्जी क्या, नियरली इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से पहला कंपाउंड बना था, ये फर्स्ट कंपाउंड है किसका, नोबल गैस का, ज़ीनॉन का। इसके बाद तो फिर कंपाउंड की लाइन लग गई, बहुत सारे कंपाउंड बने बाद में फिर, है ना। ज़ीनॉन के अलावा और कोई नोबल गैस है जो कंपाउंड बनाता है, यस दो और हैं, क्रिप्टन का KrF2 और रेडॉन का RnF2। ठीक है, ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक के द्वारा सेपरेट मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो KrF2 और RnF2, बस ये कंपाउंड आपको ध्यान रखना है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं।
अभी तक कोई नोन कंपाउंड नहीं है किसका, हीलियम का, ठीक, कहां गया, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, किस किस के मिले, क्रिप्टन का मिल गया, रेडॉन का मिल गया और ज़ेरॉन के तो बहुत सारे कंपाउंड बने, ठीक है। तो ये कहानी हो गई बेसिक इसकी, इसको नोट करो, फिर अपन ज़ेरॉन के फ्लोराइड के बारे में समझते हैं जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़ेरॉन के फ्लोराइड्स के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ लो। तीन फ्लोराइड पढ़ेंगे, XCF2, XCF4 और XEF6, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर वन देखना जरा, ज़ेरॉन की रिएक्शन F2 के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक बार प्रेशर पर ये बनाएगा XEF2 सॉलिड। सारे फ्लोराइड सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये क्या है, गैस, गैस, यहां पर ज़ेरॉन होता है एक्सेस में। ये कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सेकंड इज XE+2F2 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 बार ये बनाएगा XEF4 सॉलिड। यहां 1:5 का रेशियो होता है, एक पार्ट और 5 पार्ट, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको। तीसरा, ज़ेरॉन की रिएक्शन 3F2 के साथ, यहां 1:20 का रेशियो है, 1 part and 20 part, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 70 बार प्रेशर, तो ये बनाता है XEF6 सॉलिड, ठीक है। देखो इस वाले चैप्टर में बहुत ही सिलेक्टेड रिएक्शन है, अगर क्वेश्चन आना होगा तो जितनी मैं लिखा रहा हूं उतनी में से आ जाएगा, है ना। तो ये सारी रिएक्शन ध्यान से बिल्कुल पढ़ के जाना, छोटा सा चैप्टर है। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ज़ेरॉन के फ्लोराइड का आपको हाइड्रोलिसिस कराना है और हाइड्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। XEF2 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे, XEF4 की रिएक्शन वाटर से कराओगे और XEF6 की रिएक्शन वाटर से कराओगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाना तीनों का हाइड्रोलिसिस। XEF2 के हाइड्रोलिसिस से बनता है XE+O2+HF, यहां पर बनता है XE+O2+HF प्लस एक और कंपाउंड साथ में बनता है XeO3, ठीक। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो इसका स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है। पहले अगर मैं एक वाटर के साथ कराता हूं तो क्या करो आप, यहां से ध्यान से देखो, यहां से दो फ्लोरीन उठा लो, ये दो एच है, दो एच एफ निकाल दो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं दो फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन लगा दूं तो दिखेगा XeOF4 प्लस कितने एच एफ निकल गए, दो एच एफ। एक बार और आ जाओ, एक बार फिर से दो फ्लोरीन उड़ा के एक ऑक्सीजन लगा दो तो क्या दिखेगा, XeO2F2 और फिर से दो एच एफ, ठीक है। और फर्दर एक बार और करा सकते हो, दो फ्लोरीन हटा के फिर से एक ऑक्सीजन लगा दो तो फाइनली XeO3 पे आ जाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे देखना, +4 से ये 0 जा रहा है और ये +6 जा रहा है, तो +4 से 0 रिडक्शन और +4 से +6 ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, आप लोग जितनी भी मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन बड़ी दिक्कत होती है, बहुत लंबी इसकी वो है स्पेलिंग, तो जितनी भी मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ाई है, देखो फास्फोरस की, हेलोजन की, सल्फर की, ज़ेरॉन की, सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अच्छे से बिल्कुल करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट होती है ये। XEF2 की वाटर के साथ रिएक्शन में XeO2HF बनता है, अगर मैंने XEF4 ले लिया तो ये बनाना है, और XEF6 में स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिसिस आप दिखा सकते हो, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली और लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ज़ेरॉन के जो फ्लोराइड हैं वो PF5, SBF5 और MF के साथ क्या क्या रिएक्शन करते हैं। XEF2 की रिएक्शन होती है PF5 के साथ, तो एक्चुअल में ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, मतलब ये क्या करता है, इसको फ्लोरीन दे देता है, तो ये क्या बनाता है, XEF+ और PF5 एक फ्लोरीन लेके PF6- बना लेगा ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से XEF4 की रिएक्शन किससे, SBF5 के साथ होगी तो क्या बनाएगा ये, XEF3 एक फ्लोरीन उसको दे दो SBF5 को, तो ये बना लेगा SBF6- इस तरीके से, बहुत इजी रिएक्शन है।
एक रिएक्शन है XeF6 की MF के साथ, तो यहां पर क्या होता है, मेटल फ्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करके M प्लस और XeF7 नेगेटिव ये बनाता है। अब यहां पर जो मेटल M है वो क्या है, अल्कली मेटल है, लेकिन लिथियम नहीं है यहां पे, ठीक है, ये यह है यहां पर मेटल M लिथियम क्यों नहीं है, ये ध्यान से सुन लो, जो लिथियम है ना, लिथियम तो लिथियम होता है स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज का होता है, और ये एनायन क्या बिगर, तो स्टेबलाइज नहीं कर पाता ये, ठीक है, स्मॉल कैटाइन स्टेबलाइज स्मॉल एनायन और लार्ज कैटाइन स्टेबलाइज लार्ज एनायन, ठीक है, तो लिथियम का साइज स्मॉल होने की वजह से ये स्टेबल नहीं रहता, इसलिए यहां लिथियम नहीं होता, क्या होते हैं मेटल M NaKRBCS, लिथियम आप नहीं ले सकते हो, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं नोबल गैसेस के, जैसे पहला पॉइंट ये है, नंबर वन पॉइंट है रिएक्शन ऑफ XeF4 विद O2F2, O2F2 के साथ आप रिएक्शन कराओ, तो ये XeF6 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं अपन, क्या बनेगा XeF4 प्लस O2F2, आप क्या करो दो फ्लोरीन इसको दे दो इसको, तो ये बना लेगा XeF6 प्लस O2, बहुत इजी रिएक्शन है। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है, हीलियम एंड नियोन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। क्लेथरेट्स क्या होते हैं, आइस के साथ जब नोबल गैस का एक मिक्सचर होता है, जब हम जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें आइस भरी हुई है, नोबल गैस का मिक्सचर है, तो नोबल गैस में जिसका साइज ज्यादा होता है वो आइस के जो वॉइड होते हैं वहां ट्रैप हो जाता है, इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं क्लेथरेट्स कंपाउंड। अब हीलियम और नियोन तो छोटे साइज के होते हैं, तो स्मॉल साइज की वजह से ये वॉइड में फिट नहीं हो पाते, इसलिए ये क्लेथरेट नहीं बनाते, ये ध्यान रखना है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, किसमें, वाटर में, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि साइज बढ़ता है वैन डर वाल फोर्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, पहला पॉइंट था XeF4 की रिएक्शन O2F2 से, ठीक, XeF6 बनता है, दूसरा हीलियम नियन क्लोथरेट नहीं बनाते, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होती है, और फोर्थ आर्गन का क्वेश्चन आ चुका है, आर्गन यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, और हीलियम का यूज करते हैं डाइविंग अपरेटस में, यह ध्यान रखना। पॉइंट नंबर फाइव है डिके ऑफ रेडियम, रेडियम का जब डिके होता है तो रेडॉन बनता है, कैसे, जो रेडियम होता है वो है 226 मास नंबर और 88 एटॉमिक नंबर, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाल दो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 निकाल दो, तो क्या बनेगा रेडॉन, RN, इसमें से दो कम कर दो 86, इसमें से चार कम कर दो 222 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा, जिनोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आपको कंपाउंड देखे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप लोन पेयर जिनोन पर टोटल लोन पेयर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए, फ्लोराइड भी ले लिया, कुछ चार्ज वाला भी ले लिया, ऑक्सी फ्लोराइड ले लिया और ऑक्साइड भी ले लिया, ठीक है, तो इसके अलावा और भी कोई आ गया, मान लो XeO4 आ जाए या XeOF2 आ जाए, तो सारे कर लेना, फिर आप तरीका देख लो कैसे करना है। ये तरीका मैं लगाऊंगा, मैंने जो वीडियो बनाया ना ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन वाला, वही वाला मैं तरीका लगाऊंगा, आप चाहो तो वो वाला वीडियो देख लो, ठीक है। XeF2 के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम को हम करेंगे सभी में अंडरलाइन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, ठीक है, माइनस दो शेयरिंग हो जाएगी तो कितने बचेंगे इसके पास 6 के तीन लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन के तीन लोन पेयर, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर, सम क्या हो गया 5, 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d, और sp3d सम 5 आ गया तो ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, और दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर, ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या आया था, दो बॉन्ड पेयर आए थे और तीन क्या आए थे लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर में शेप होता है लीनियर। अब बता दो लोन पेयर जिनोन पे कितने आए, 3 लोन पेयर ये जो लिखे हैं ना ये किसके हैं जिनोन के हैं ना, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या जिनोन कितने हैं 3। अब टोटल लोन पेयर पूछे तो साइड वाले भी काउंट करना, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं एक हेलोजन के पास, तो 2 हेलोजन लगे तो 6 इसके हो गए और 3 ये हो गए, तो कितने लोन पेयर आ गए 9, ठीक है,
अगला देखो HCF4 को भी इसी तरीके से करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे 8 है, चार शेयर हो गए तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन बचे, चार इलेक्ट्रॉन के दो लोन पेयर और ये चार क्या है बॉन्ड पेयर, चार प्लस दो छह, छह पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, फोर बॉन्ड पेयर और टू लोन पेयर पर, ठीक है, और फोर बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर सम कर दिया 6, ज्योमेट्री आ गई ऑक्टा हीड्रल, और 4-2 पे शेप क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, आपको बनाने को तो नहीं आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में नाम से आता है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये जो लोन पेयर हैं किसके होते हैं, ज़ेनॉन के, और टोटल यहां से देख लो एक पर तीन होते हैं तो 4 × 3 = 12 और दो ये हो गए 14, तो टोटल लोन पेयर 14 इस तरीके से, ठीक है। अगला देखो HCF3+, ज़ेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं लेकिन प्लस लगा तो 7 बचे, 7 में से 3 कम कर दिया आपने तो 4 बचे, 4 के दो लोन पेयर आ गए और तीन बॉन्ड पेयर, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 मतलब sp3d, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर ये हो गए और दो लोन पेयर हो गए, ठीक। sp3d पर ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कैसा शेप होता है टी शेप, ठीक है, और ये लोन पेयर किसके थे, ज़ेनॉन के, टोटल कितने 3 × 3 = 9 और 2 = 11, ठीक है। अगला देखो HCO2F2, ध्यान से देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं उसमें से पहले शेयरिंग के देख लो कितने हैं, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दो ऑक्सीजन चार कर लेगा और दो ये छह, तो छह इलेक्ट्रॉन शेयर कराने में है, किसमें से 8 में से 6 शेयर करा दिए, दो इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर बचा, और बॉन्ड पेयर यहां से देखते हैं 2 और 2 = 4, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, सम कितना हो गया 5, sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप क्या आ गया 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर में C-SAW, है ना, एक लोन पेयर किसका है ये सेंट्रल एटम का, और टोटल कितने देखो, एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं तो 2 × 2 = 4, इस पे तीन होते 3 × 2 = 6, सही है ना, समझ रहे हो, तो ये 6 और ये 4 10 और एक ये रहा 11, एक फ्लोरीन पे 3, 3 का डबल 6, दो इस पे एक ऑक्सीजन पे 2 का डबल 4, 6 4 10 और 11, वाह। HCO3 देखो, ज़ेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 8 माइनस एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 3 ऑक्सीजन 6 कर लेगा, 8 माइनस 6 मतलब दो इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, 3 + 1 = 4 sp3, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, HCO3 एक्सप्लोजिव होता है, ध्यान रखना एक्सप्लोजिव होता है, sp3 पर ज्योमेट्री टेट्रा हीड्रल और 3-1 पे शेप क्या आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, लोन पेयर बता दो जरा फटाफट से, एक तो इसका हो गया सेंट्रल एटम का और दो इस पे होते 3 × 6, 3 × 6 = 7, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर पे आ जाओ, यहां एक्स मान के निकालोगे तो इसका +2 आएगा भाई, इसका एक्स मानोगे ये -1 है तो -2 = 0 तो +2, इसका +4, इसका एक्स मानो तो x - 3 = 1 मतलब +4। अगला बताओ x - 4 भाई एक ऑक्सीजन का -2 था, x - 4 - 2 मतलब +6 और x - 6 = 0 मतलब +6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है। तो ये सारी कहानी हो गई किससे रिलेटेड, आपके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप लोन पेयर, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके, वो लोग इनर्ट गैस के कंपाउंड दे देते हैं और डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर शेप ज्योमेट्री, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे, समझ गए बात को, इस तरीके से करना है, नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचे हैं अपने, देखो जरा अगला, रिएक्शन ऑफ XeO3 विद बेस, बेस के साथ XeO3 की क्या रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना, XeO3 की रिएक्शन जब पहले बेस के साथ होती है NaOH के साथ तो ये बनाता है NaHXeO4, ठीक है, ये बनता है स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन ये स्लोली डिस्पोनेट हो जाता है इन बेसिक मीडियम, ये बना देता है Na4XeO6, ठीक है, यहां पर क्या होता है Na+ और XeO6 4 नेगेटिव पर परजीनेट आयन बोलते हैं इसको, है ना, उस फॉर्म में मिलता है ये +Xe+O2 और +H2O बनता है, ठीक है,
तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आप इसका अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, ठीक है। मैं इसका निकाल रहा हूं तो कैसे, 1+1+x और -8 = 0, पूरा का पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x यहां से कितना आ गया, +6 आ गया, ठीक। तो यहां ज़ीनॉन होता है +6, इसका निकाल लो 4+x -12 = 0, तो x क्या आ गया, +8, तो इसका आ गया ज़ीनॉन का +8 और यहां 0। तो 6 से 8 ऑक्सीडेशन और 6 से 0 रिडक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 8, इनर्ट गैस जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। वो क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में लिख रहे हैं। इनर्ट गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट, इनर्ट गैसेस कैन बी सेपरेट बाय एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ऑन चारकोल। होता क्या है, चारकोल क्या है, एक सॉलिड सरफेस है अपने पास एक तरीके से, और इनर्ट गैसेस में गैस का देखो अलग अलग गैसेस का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जिसका टीसी ज्यादा होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है गैस, मतलब डिफरेंट टीसी की वजह से हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर पर उसको सेपरेट कर सकते हैं ना। तो ये तरीका होता है सेपरेशन का। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस पे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लो कैसे होते हैं। नोबल गैसेस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वाई, इसका रीजन क्या होता है, नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडरवाल फोर्सेस इसमें वीक होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। अगला सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। रेडॉन क्या, रेडियोएक्टिव होता है और इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, तो ड्यू टू स्मॉल हाफ लाइफ या शॉर्ट हाफ लाइफ, इस वजह से इसकी स्टडी डिफिकल्ट होती है। अगला है, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग अपरेटस। इसका रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, इस वजह से इसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गई कहानी अपनी पी ब्लॉक की कंप्लीट। मैंने आपको सारे चैप्टर अच्छे से करवा दिए हैं और मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी सारी की सारी आपकी कवर हो जाए। फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करें तो एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करें, और एनसीईआरटी के इन चैप्टर एक्सरसाइज पीछे के मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारे करें और एग्जाम्पलर जरूर करें, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, कंप्लीट पी ब्लॉक की। अब अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है।